अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स गाइडर में। तो एनटीए की तरफ से एक बिग अपडेट आया हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स को 21 मई से लेकर 24 मई तक एग्ज़ाम है तो उनके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। आप अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करने मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझाऊँगा। बहुत से स्टूडेंट्स को एक एरर आ रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, वो एरर क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊँगा। उसके लिए ये वाला वीडियो एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। यहां पर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं एंड स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, जिन स्टूडेंट्स को 21 मई से लेकर 28 मई तक एग्जाम है उनकी ऑलरेडी इंटीमेशन स्लिप जो है आ चुकी है, उन्होंने डाउनलोड भी की होगी। जिनको 28 के बाद एग्जाम है उनकी अभी इंटीमेशन स्लिप जो है वो नहीं आई हुई है। तो आज यहां पर जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को 21 मई से लेकर 24 मई तक एग्जाम है उनके ही सिर्फ एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। जिनको 24 मई के बाद एग्जाम है उनके अभी यहां पर एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज नहीं किए गए। इस बात को याद रखना, फिर कमेंट करके नहीं बोलना मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है। जिनको 21 से लेकर 24 मई तक एग्जाम है उनके ही एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएंगे। तो डाउनलोड कैसे करने वो मैं आपको बताता हूं। अब आपको अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कैसे करने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहां पर डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपने इस पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर डाल देनी है, उसके बाद यहां पर आपको अपनी जो सिक्योरिटी पिन है ये वाली ये आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड पर जो है क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, एडमिट कार्ड के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट डिटेल्स, यहाँ पर आप अपनी टाइमिंग देख सकते हो। आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पर इस स्टूडेंट का स्लॉट वन है, तो यहाँ पर स्लॉट वन की टाइमिंग इन्होंने रखी है 8:30 AM से लेकर 10:30 AM। यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है 7 AM यानी 7 बजे सुबह के आपको यहाँ पर अपने सेंटर में पहुँच जाना है। बाकी यहाँ पर जो गेट होगा क्लोज वो होगा यहाँ पर 8 बजे, इस बात को याद रखो। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, अपने हिसाब से टाइमिंग वगैरह देख सकते हो, बाकी सब्जेक्ट वगैरह भी यहाँ पर मेंशन है। अगर किसी स्टूडेंट को एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये वाला एरर आ रहा है, तो आपको डरना नहीं है, ये यहाँ पर कोई एरर नहीं है। एक्चुअली ये जो सर्वर है वो डाउन है, तो आपको वेबसाइट रिफ्रेश करते रहनी है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। बाकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट को 21 से लेकर 24 तक एग्ज़ाम है वो अपने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुँचाओ कि उनको भी हेल्प हो जाए। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी उन पर जो है मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो अब इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।